राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लाख दावे करती हो, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं आम जनता तक किस तरह पहुंच रही हैं, ये वीडियो बयां करने के लिए काफी है। वीडियो फतेहपुर के गाजीपुर कस्बे की है, जहां रोड पर पड़ा युवक मौत से जंग लड़ता रहा, लेकिन ग्रामीणों के फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं पहुंची। आदमी था, काफी देर से यहां पड़ा हुआ था, लोगों ने जो है एम्बुलेंस को फोन भी किया, लेकिन समय से एम्बुलेंस आ नहीं पाई। यही कोई 3 बजे के आसपास से ये यहां पड़ा हुआ था, कम घंटा भी पड़ा रहा। इसकी जानकारी जब हुई है तो पब्लिक ने जो है 108 नंबर को फोन करके बुलाया है एम्बुलेंस को, जो कि समय पे नहीं आ पाई है, इस वजह से प्राइवेट साधन से इसको अस्पताल भेजा। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे युवक को बचाने के लिए स्थानीय आगे आए और उन्होंने एम्बुलेंस न आने पर प्राइवेट वाहन से पीड़ित युवक को अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज को लाने में देरी हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। डॉक्टर के यादव लगभग शाम को 4 बजे राजेश नाम का एक पेशेंट, जिसको ऑटो से लाया गया था, जब उसको उसकी जाँच उपरांत की गई तो उसके पश्चात उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसको चौराहे पे, गाजीपुर चौराहे पे उसको मिर्गी के दौरे आए थे, जिसमें उसने ढेर सारा ब्लड निकला, जिसकी वजह से उसने एस्पायरेट कर लिया, जो उसकी मृत्यु का कारण बना। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि युवक की मौत का जिम्मेदार कौन है? अगर समय पर एम्बुलेंस पहुंची होती तो शायद युवक जीवित होता। ये घटना करोड़ों रुपए खर्च कर चलाई गई 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाती है। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।